हेलो एवरीवन, मैं शालू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल शालू लाइफ ब्लॉग में। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फैमिली, इसके पहले के ब्लॉग में मैंने आप सभी को बताया है कि आज जो है प्रियदीप दी के छोटे भाई का तिलक है, तो बस अभी जस्ट तिलक हो गया, फिर मैं जो है कैमरा ऑन कर रही हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन मेरे पास था ही नहीं। जब मैं रेडी हुई तब से मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था। आज मेरा फ़ोन बाहर ही बाहर घूम रहा था, तो मेरे पास फ़ोन था ही नहीं कि मैं जो है वीडियो मतलब व्लॉग स्टार्ट करूं, इसीलिए मैं नहीं कर पाई। अभी मैं जस्ट तिलक से आई रही हूं और टाइम जो है 8:30 हो रहा है, तो अभी जब तिलक का समारोह संपन्न हुआ ना तब मैं आई, तो मुझे मेरा फ़ोन मिला, तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्लॉग का जो है स्टार्ट कर दूं, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया, पूरा तिलक बीत गया है। लेकिन आप सभी को तिलक की वीडियोज़ मैं आप सभी को दिखा दूंगी, बट अभी जो है मैं वही नीचे बैठी थी। बस नीचे बैठी थी, मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्या रिकॉर्ड हुआ है फ़ोन में क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। और मैं रेडी हुई फिर भी अपना फ़ोन ढूंढ रही थी, और क्या हुआ ना कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो मेरा सिम इस फ़ोन में ट्रांसफ़र करके और मेरे फ़ोन में अपना सिम ट्रांसफ़र कर दिया था उन्होंने। और पीछे यार माइंड मत करना, सब अपने कपड़े छोड़ छोड़ रेडी हो गए हैं। और आप सभी को मेरा लुक कैसा लग रहा है, मैं बैक कैमरे से तो नहीं दिखा सकती क्योंकि इधर मेरा सामान पड़ा हुआ है, मिरर सामने ही है अलमारी में, तो मैं वो तो नहीं दिखा सकती हूँ, बट ऐसे दिखा सकती हूँ। येलो कलर की साड़ी मैंने डाली हुई है और इसका ब्लू कलर का ब्लाउज़ है, और ये येलो एंड ब्लू चूड़ी और बाकी गहने, बाकी यही सब नॉर्मल मेकअप, बिल्कुल मतलब आईलाइनर लिपस्टिक और यही सब नॉर्मल मेकअप, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अभी जो है अब मैं चल रही थी रिमूव करने, मतलब सभी उतार के रखने के लिए, तो मुझे याद है कि मैं ब्लॉग का पहले स्टार्ट तो कर दूँ फिर उसके बाद एंड करना है मुझे। तो मैंने सोचा आप सभी लुक कैसे देखोगे मेरा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मेरा किसी ने उस टाइम पे वीडियो लिया, क्योंकि मैं बहुत सारी लेडीज़ों के पीछे ही बैठी थी, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी दूर तक कैमरा मेरी तरफ ध्यान दिया भी होगा। तो इसीलिए प्लीज़ यार माइंड मत करना, बिकॉज इतनी पब्लिक थी ना कि उसमें मैं आपको नहीं दिखने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लो भाई, आ गया वो वीडियो जिसका आप सभी ने भर भर के कमेंट किया हुआ था कि आप जो है प्रियदीप दी के भाई की शादी में नहीं जाओगे, यानी कि अपने ससुराल नहीं जाओगे। तो मैंने कल ही आप सभी के साथ वीडियो शेयर किया कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, बट अभी जो है आज जो है वो तिलक है, तो कल वाला वीडियो तो मैंने आने के बाद नहीं किया हुआ था रिकॉर्ड, आप सभी को बताया। बट आज मैंने सोचा कि मैं, आप सभी ने इतना ज़्यादा पूछ लिया है कि ससुराल नहीं जाना है, ससुराल नहीं जाना है, तो आ गई मैं भी ससुराल, और अभी मैं वीडियो शेयर भी कर रही हूँ। वीडियो मेरा काफ़ी लेट जो है अपलोड हो रहा है, यानी कि लेट आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं क्या करूँ, मैं खुद ही अपने आदत से मजबूर हूँ और कुछ नहीं कह सकती मैं इसके आगे। तो मैं बीच बीच में बस गायब हो जाती हूँ, जैसा एक कमेंट आया था ना मुझे कि आप बीच बीच में गायब कहाँ हो जाते हो दी। मुझे सच में वो कमेंट इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ। इसके पहले की वीडियो में भी आप सभी को बताया था मैंने, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा उनका कॉमेंट। एंड थैंक्स सिस्टर कि आप इतनी बेसब्री से मेरे ब्लॉग का जो है इंतज़ार कर रहे थे, और मैं जो है वही अपना घिसा पिटा रोज का लेके बैठी थी और मैं नहीं कर पा रही थी। खैर छोड़िए वो सभी, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हो जेठ जी स्माइल पास कर रहे हैं, क्लियरली आपको दिख रहा होगा। तो इन्हीं का तिलक है और ये दी के छोटे भाई हैं, ये तो इनको इंट्रो की ज़रूरत तो है नहीं कि मैं बताऊं। तो आप सभी वीडियो में मतलब बाहर अभी आप सभी जानते ही होंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब यहाँ तिलक चढ़ने वाला है, बहुत सारा सामान भी आया था तिलक में, आप सभी वीडियो में देखिएगा, आप सभी को दिखेगा बहुत सारी मिठाइयाँ गिफ्ट फल, ये सभी चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा आए हुए थे और खूब सारा हमने इन्जॉय किया। अब बस देखना ये है कि आप सभी वीडियो को कितना इन्जॉय करते हो। और ये जो तिलक जिस पर हुआ ना, ये सजावट मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी ने मतलब जैसा मैं सोच रही थी इसके पहले का वीडियो में, जैसा मैं सोच रही थी आप सभी अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, यार मैं सिर्फ सोच ही रही थी, आप सभी ने किए नहीं, बट मुझे वो कमेंट बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हो ये यूपी ब्लॉगर आराध्या के भाई, यानी कि मेरी जेठानी के भाई हैं। अब छोटे हैं कि बड़े, मैं उनसे कभी ये पूछी नहीं भाभी से, बट उन्हीं के भाई हैं ये। और आप सभी को जानवी अभय सभी देखने को मिलेंगे, तो बहुत अच्छा लगा था हमें इस दिन। आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अभी मैं अपनी बकबक को शांत कर देती हूँ और आप सभी वीडियो को एंजॉय कीजिए। अमरावती संपूर्ण पुणे प्रदेश प्रतापरा सदा
सो फैमिली बहुत ही अच्छा लगा और ये इनसे मिली, ये है मेरे दो क्यूटेस्ट ये मेरे फ्रेंड्स हैं ससुराल के, ये शीतल और अभय जानवी, मतलब ये सब मिल जाते हैं ना जब मेरे रूम में आ जाते हैं। आप सभी ने तो वीडियो देखा ही है, काफ़ी इन्जॉय करते हैं हम एक दूसरे की कंपनी, सच में बहुत अच्छा लगता है और इतना ज़्यादा मस्ती करते हैं हम तब कि क्या ही बताएं। और ये भी देवर जी और वो भैया यानी कि जेठ जी, आप सभी को दिख रहा होगा बड़े भैया, यूपी ब्लॉगर आराध्या यानी मेरी जेठानी के हस्बैंड, और क्या, और आप सभी वीडियो को इन्जॉय कर ही रहे हैं आई होप, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसा कि मैंने बताया ना आप सभी को कि मेरी तरफ तो कैमरे का किसी को मतलब ध्यान ही नहीं था कि मुझे भी कोई दिखा दे, तो मैं तो नहीं दिखने वाली हूँ, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है। अब शायद वीडियो थोड़ा और भी है तो शायद मैं दिख जाऊँ, बट मुझे लगता नहीं है क्योंकि मैं सबसे पीछे बैठी हुई थी और किसी की नज़र, किसी का ध्यान वहाँ पर नहीं गया। वहाँ पर दी भी आपको दिखेंगी, इनफैक्ट आपको अगर येलो येलो साड़ी वहाँ पर कोने में दिख रही होगी तो वही मैं हूँ। अब इतने में अगर जो देख लिया होगा नहीं तो नहीं दिखेगी, मतलब मैं नहीं दिखूँगी अब तो सब दिख गए, दी भी दिख गई और सब दिख गया, बट मैं और भाभी नहीं दिखे हैं। भाभी भी पीछे ही थी, सबके पीछे वो भी थी तो वो भी नहीं दिखी। बाकी जिन्होंने किया है वो उनको मतलब मैं क्या कहूँ, काफ़ी इंटेलिजेंट थे वो, अब कौन था मुझे पता नहीं। तो चलिए सो फैमिली, तिलक खत्म हुआ यानी कि तिलक समारोह खत्म हुआ और अभी जो है सारे तिलक वाले मतलब जो लड़की की तरफ से आए हुए थे, हमारे यहाँ गांव में अगर आप सभी जानना चाहते हो ना तो तिलकहरू बोलते हैं, तिलक जो चढ़ाने आते हैं उनको तिलकहरू बोलते हैं, तो आ गए तिलकहरू तिलक चढ़ाने, ऐसा बोला जाता है यूपी में। अब आपकी तरफ क्या बोला जाता है वो मुझे नहीं पता, बट यूपी में ऐसा ही बोला जाता है कि आ गए तिलकहरू तिलक चढ़ाने। तो बस वही है, तिलकहरू आ भी गए थे, तिलक चढ़ भी गया और अभी रात का डिनर भी जो है हो ही रहा है। अब इसके बाद सारे समारोह मतलब तिलक वाले सारे जो है समारोह समाप्त होने वाले हैं। यहाँ पर पंडित जी भी अपना नेक दक्षिणा सब इकट्ठा कर रहे हैं, अकेले यही बचे हैं, बाकी तो सब चले गए, तो कोई बात नहीं, इकट्ठा कर लेने दीजिए इनको भी, बिकॉज यही तो होता है कि दक्षिणा वगैरह मिल जाए शादी वगैरह में ही, नहीं तो आजकल दक्षिणा भी बहुत मुश्किलों से ही निकल रहा है सबका। और यहाँ पर आपको मेरे ससुर जी यानी पापा जी थोड़ा सा दिखे होंगे बस येलो कलर के कुर्ते में। अब किसने ये वीडियो बनाया है मुझे नहीं पता है, घर के फैमिली मेम्बर को भी ठीक से नहीं लिया है उन्होंने, बट कोई नहीं, अगर आप सभी पहचानते होंगे तो पहचान ही गए होंगे कि कौन कहाँ है कौन कहाँ है। और रही बात मेरी, क्योंकि मेरा व्लॉग है तो मुझे आप सभी ने स्टार्टिंग में ही देख लिया, उसके बाद मैंने खुद ही बताया था कि मैं आपको कहीं नहीं दिखने वाली, तो बस वही है। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हाँ यार वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार थोड़ी सी मेहनत मेरी जो है सफल कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छा मतलब अच्छी क्वालिटी का वीडियो देखना हो ना पूरा परिवार अगर आप सभी को देखना हो तो आप दी या भाभी के चैनल पर जाओ, वहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और उनके चैनल का नाम लेना मैं ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि मेरे नाम लेने या ना लेने से कुछ नहीं होता है, वीडियो उनका कब का जा चुका है, आप सभी ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है, बस उसी उम्मीद से मैंने भी आप सभी के साथ जो है थोड़ी सी मेहनत जो है आप सभी के साथ शेयर की हुई है। अब आप सभी देखिए मेरी मेहनत को कितना अप्रिशिएट करते हैं, बस उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है, मैं भी टिकी हूँ, तो चलिए।
सटल पकड़ लियो बस सटल पकड़ लियो बस भाई सटल पकड़ लियो बस सटल पकड़ लियो बस वो लेफ्ट पे चलते हैं क्या कहना है चंद्र लाइन के माध्यम से एक गजल सुना रहा हूँ आपके किसी हवा हो जहरान किसी गैर का ए बेटा नक्शा नजर आए चेहरा किसी गैर का सो फैमिली अब वीडियो का जो है एंड टाइम आ गया है यानी कि आप सभी से विदाई लेने का समय आ गया है और पंडित जी कितना दक्षिणा चढ़ गया है पंडित जी अभी तक जो है समेट रहे हैं और समेट नहीं पाए हैं और ऐसा नहीं है पंडित जी अपना कुछ और ही काम कर रहे हैं ये तो मैं ऐसे ही छेड़ रही थी ज़रा सा पंडित जी को वो भी ऑफलाइन उस समय नहीं तो आप सबको वीडियो कैसा लगा बार बार मैं यही कह रही हूँ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हाँ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बस यही था वीडियो मेरे पास जो था मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया था भाई का वीडियो मैंने नहीं डाला पूरा शादी वाला क्योंकि कुछ वीडियो उसमें से मिसिंग हो गए थे और कुछ वीडियो बचे थे तो मैंने वो डाला ही नहीं मैं अब ये वीडियो डाल रही हूँ तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा।